बुंदेलखंड में बुंदेली फिल्मों की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। युवा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। महाराजपुर तहसील के नाथपुर गांव के युवाओं ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया है। बुंदेली फिल्मों के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज की जाती है। शुक्रवार से एक और नई फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन के परिवेश पर बन रही है। इसमें अंधविश्वास के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है, ताकि समाज में जागरूकता आ सके। फिल्म के डायरेक्टर धर्मेंद्र पटेल ने कहा कि बुंदेलखंड में सीमित संसाधन के बावजूद भी हम लोग लगातार अपनी क्षेत्रीय भाषा को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। पिक्चर में पहली बात तो हम बुंदेलखंड की संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। जो अपनी 40 साल पहले क्या कहानी रहती थी, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता था, उसके कारण पढ़ाई लड़ाई की ई पर भी बना रहे हैं पिक्चर को। और जो अपनी काल्पनिक चीजें हैं, जो तांत्रिक बाबा लोग रहते थे पहले, तो अंधविश्वास के कारण जो लोग पूजा पाठ में कुछ रुपए पैसे दे देते थे अंधविश्वास के कारण, इसलिए अंधविश्वास के कारण पिक्चर बना रहे हैं। अंधविश्वास पे प्रहार करते हुए इस फिल्म को बना रहे हैं। कितने कलाकार हैं, कहां कहां से कलाकार हैं? इसमें अपने सब साथीगढ़ जैसे बर्द्वार से हैं भैया, ये बर्द्वार से अपने, और बनगांव से हैं, छतरपुर से हैं, और गांव से सहयोग है, टटम गांव से हैं, बेकोरा गांव से हैं। लगभग कितने साथी कलाकारों के साथ ये फिल्म आप बना रहे हैं? इसमें 150 लोग कलाकार हैं हमारे। ना चाहते हैं समाज में अपन ये संदेश देना चाहते हैं, जो लोग बाबा संत होते थे पुराने जमाने में, अंधविश्वास में डूबे रहते थे लोग, उनकी बातों में आ जाते थे, इसलिए उस अंधविश्वास को मिटाने के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई है। ये फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक ये जाएगी? एक गांव से, ग्रामीण से हम लोगों ने स्टार्ट की है। अब जहाँ तक जाएगी वो आप लोगों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से जहाँ तक पहुँचेगी। इस फिल्म में लगभग यानी आप लोग कितने कलाकार हैं अभी और कितने लोगों के सहयोग से ये फिल्म बन रही है? हम लोग कलाकार तो इसमें छोटे छोटे कई लोग हैं, लेकिन जो मेन कलाकार हैं वो 10-12 लोग हैं।